देखो, चर्बी लगा रहे सुअर की अपने बंदूक की गोलियों के आगे और ठोक रहे इन्हें। अगर मैं किसी पावर में होता ना, माँ की कसम, मेरे दिमाग में इतनी सारी आइडिया है, इतने सारे कारनामे हैं मैंने करने की सोच के रखी है। अगर आ गया ना कल, इन्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे देश के लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए नासूर बने पे। भगवान श्री राम का मंदिर तो बना लिया इन्होंने, लेकिन राम रैली इनके द्वारा नहीं सफल होती। राम रैली पर पथराव होगा तो काहे को राम मंदिर बनाया? जब तुम भगवान श्री राम की जय घोष करने वाले, राम की रैली में शामिल होने वालों को बचा नहीं सकते, उन पे पथराव करने वालों को ठोक नहीं सकते, तो राम मंदिर क्यों बनाया? किसके किसके लिए बोलूं? कुछ अच्छे विषय पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता था, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तीन लोग चार लोग देखेंगे, आईडी नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपके पास मैसेज नहीं पहुंचता, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता था, लेकिन आपको कई बार कहा है कि सी फर्स्ट कर दो ताकि तत्काल आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, लेकिन फिर भी अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम क्यों किसी के साथ दुश्मनी मोल? तुम्हारे लिए जड़ों के नेतृत्व करेंगे हम, लेकिन जो गिने चुने जो लोग हैं, जो मैंने कहा ना कि शेयर करने से भी डरते, अरे मुझे बोलते गुरुजी तुम तो बहुत खतरनाक आदमी, डरते नहीं हो, डर किस चीज का? मृत्यु एक दिन आने वाली है तो शेरों की भांति मरेंगे ना, तुम्हारे गले में अमरता का पट्टा तो तुम बांध करके नहीं आए हो ना, तो इन हरामियों से मत डरो, लड़ो इसराइलों के जैसे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आप सभी को साधुवाद। भारत में सबसे ज्यादा आतंकवादी रहते हैं, ये आतंकी केवल भारत के बाहर नहीं है, जो पाकिस्तान के स्वात घाटी में, अफगानिस्तान में, लेबनान में, सीरिया में, तुर्की में, ईरान में, इराक में अपना घर जमाए बैठे हैं, वो उतना सत्य नहीं। जितना सत्य ये है कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा आतंकी है, घर घर के सामने तुम्हें आतंकी मिलेंगे। और ये आतंकी कौन है हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम सारे जानते हैं। अगर आतंक को खत्म करना है हमें, तो हमें सारों को अब एक जगह पर एकत्रित होना होगा, नहीं तो ये जिस प्रकार से हो रहा है ना इसराइल में, इतना सक्षम राष्ट्र है, फिर भी वहां पर जो अमानवीय घटना हो रही है, जो सक्षम है, योद्धा है, लड़ने की क्षमता है, जिनके पास हथियार है, फिर भी वे मारे जा रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास तो कांदा काटने वाला चाकू नहीं, अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं हम। हम प्याज खाना छोड़ो, प्याज को देखना तक बर्दाश्त नहीं करते। अगर आने वाले भविष्य में इन जिहादियों ने तुम्हारे खिलाफ अगर जिहाद पुकार दिया, तो तुम क्या कर दोगे? कैसे अपनी आत्मरक्षा करोगे? कैसे अपने परिवार को बचाओगे? कैसे अपने धर्म को स्थिर रखोगे? भारत में आतंकी कौन है ये मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं। भारत को बर्बाद करना कौन चाहता है वो तुम्हें बताना चाहता हूं। एक वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है, इजराइल के सैनिकों का, वो अपने बुलेट पर चर्बी लगा रहे सुअरों की और फिर आतंकियों को शूट कर रहे। ये लोग तभी सुधरेंगे, इनको जलाओ, इनको गाड़ने के लिए जमीन मत दो, क्योंकि जमीनें खराब होती है हमारे हिंदुस्तान की। और अगर सर पर चढ़ा कर रखा है इन आतंकियों को किसी ने, तो मेरे हिंदुस्तान की सरकार ने, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे निवर्तमान सरकार हो, इन्होंने ही इनको सर पर चढ़ा करके रखा है। और अगर हम जैसे लोग विरोध करते तो कहते कि अरे तुम तो हिंदू मुसलमान करते हो, अगर हम हिंदू मुसलमान करते हैं तो फिर जातीय जनगणना करने की बात घोषणा करने वाले सांसद में कौन थे? मुसलमानों की जनगणना नहीं, क्या मुसलमान यहाँ के नागरिक नहीं? नहीं, अभी भगाओ। केवल हिंदुओं की जनगणना करना चाहते हो कि चमार कितने, जैन कितने, बौद्ध कितने, दलित कितने, फलाना कितने, यही बताना चाहते हो। अर्थात तुम हमारे अंदर खाई पैदा करना चाहते हो। हिंदुओं में पहले ही हमारे लोग बटे हुए हैं, पहले ही हराम खोर कुछ भीमटे नाजायदों की नस्लें। कल एक बड़ा मादर जात एसएचओ था कोई हरियाणा का, करनाल का मादर, गालिया दूं मैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान कर रहा है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, सस्पेंड किया, डिसमिस नहीं किया। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद, खाकी वर्दी पहनने के बाद, जो ब्रह्मा विष्णु का अपमान करता है, गालियां देता है, यह हराम खोर भीमटों की नाजायज नस्लें। और ऐसे लोगों को अगर तवज्जो दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, आरक्षण के तहत अगर इन लोगों को पद दिया जाएगा, तो देश सड़ेगा। ये आतंकी तो बाद में ही, नाजायजों की नस्लें पहले। कितने लोग देख रहे मुझे इस समय बताइए तो, कितने लोग देख रहे इस समय? तुम्हारे लिए रिस्क उठाते हैं हम, 40 लोगों की जो सुपारी दी गई है ना अलकायदा को मारने की, उसमें हमारा भी नाम शामिल है। डरते नहीं मौत से, लेकिन तुम्हारे लिए तो आवश्यक, लेकिन जुड़ते कितने लोग हैं तुम्हारे फॉलो करने से, तुम्हारे लाइक से, तुम्हारे शेयर से? मुझे तो कोई आर्थिक रूप से फायदा होने वाला नहीं है, फायदा तुम्हें होगा, क्योंकि कुछ लोग जो सोए हुए कुंभकर्ण की नींद में, कम से कम जागेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। हम लोगों ने बार बार कहा तुम्हें कि बहिष्कार करो उन लोगों का जो तुम्हारे संस्कृति के ही नहीं है, जो लैंड जिहाद, लव जिहाद करके तुम्हारी हत्या करना चाहता है, लेकिन तुम लोग समझना नहीं चाहोगे। हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती, मेरी सारी आईडी जनवरी को खुलेगी 1 तारीख, तब तक आईडी को मैंने बंद करके रखा। अब इस आईडी को ओपन किया, लेकिन यहां पर भी मेरी अकेले की स्थिति नहीं है। जो हर व्यक्ति सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुओं का समर्थन करेगा, भारत सरकार का समर्थन करेगा, सच्चाई का समर्थन करेगा, याद रखना उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी या तो फिर उसकी रीच घटा दी जाएगी। कांग्रेस का समर्थन करो, आतंकियों का समर्थन करो, इन सुअरों से नफरत करने वालों का समर्थन करो, लैंड जिहाद करने वालों का समर्थन करो, तुम्हारी आईडी की रीच बढ़ेगी और तुम्हें फिर तवज्जो मिलेगी। ये है मेरे देश की वर्तमान स्थिति। सरकार सब जानती है, लेकिन फिर भी हरामखोरों को पैसा कमाने का मौका देते हैं इन सोशल मीडिया के जरिए।
देखो आप देखते हो सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं बहुत सारी नंगी नाचने वाली महिलाओं को इतनी गंदी चीजें खाई जाती है, नॉनवेज काटा जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर ब्लड नजर नहीं आता है, कम्युनिटी सिस्टम का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ बात करते हैं, हमारा स्टेटमेंट देख करके कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया, मेरी आईडी 24 घंटे के लिए मैं लाइक नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें लाइक किया है इसलिए मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। कहा कि तुम कम्युनिटी सिस्टम का उल्लंघन कर रहे हो, इतने लाइक नहीं कर सकते। बताइए तुम्हारे कमेंट का जवाब, मैं तुम्हें समर्थन के रूप में लाइक कर रहा हूं, वो भी बर्दाश्त नहीं। अर्थात इनको कितनी घृणा है हम हिंदुओं से, अगर वो हमसे घृणा कर सकते तो हम भी इनसे घृणा करें। मैंने कहा ना इसराइल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, एक सैनिक सुअर की चर्बी लगा लगा करके गोलियां मार रहा है, जन्नत 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 के सपने देखे। साले जीते जीते अपना मजा नहीं ले पाएंगे जिंदगी का, मरने के बाद जन्नत। 135 फुट की हूर ढूंढने वाला पाकिस्तानी वो हरामखोर मौलाना, पाकिस्तान का 135 फीट की हूर। अबे मादर जातो, जीते जी जिंदगी का तो मजा उठाओ, मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा है, मरने के बाद किसने क्या देखा है। जीते जी अगर तुम सत्कर्म नहीं करोगे तो मरने के बाद तुम्हें नरक में ही जाना है, जहन्नुम में ही जाना है, और सारे के सारे तुम साले जहन्नुम में जाने वाले। और जन्नत जाना चाहते तो सब एक साथ बम ब्लास्ट करके मर जाओ, ये साले आपस में लड़ेंगे मरेंगे, मरना ही चाहिए, यही होने वाला है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले 2-3 साल पहले, तो मेरे पर मुकदमे ठोक दिए। क्यों? मैंने इतना ही शब्द कहा था कि जब आएगा सन बीसा, न रहेगा ईसा न रहेगा मूसा, केवल बने बचा रहेगा जगदीसा। इतना शब्द, ये तो मेरी बोलने की आजादी है मुझे, मैं इतना नहीं बोल सकता। इतना बोला तो बोले तुमने अपमान किया है, और तुम्हें बस 153A लगा दिया, मुझे बोलने की आजादी रोक दिया। कन्हैया जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह बोलता है, और ये लोगों को कुछ नहीं कर दिया जा सरकार के द्वारा। लेकिन हमें अभी यह महादर जाता है, देखो भीम पवन अंबेडकर क्यों मुस्लिम दलित पर जाए, मेरे को वो देखो ये है ना साथियों, देखो ये नाजायजों की नस्लें, ये आया अभी, इसकी कमेंट मेरी जैसे ही मेरी लाइव खत्म होगी ये गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं है। देखो ये है हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी, ये कोई मुझे अंबेडकरवादी नजर नहीं आ रहा है, इसके नाम में ही फर्जीवाड़ा। ये मादर जात जरूर आ जाता है जब मेरी लाइव आती है, मजा आता है, क्योंकि यही तो लोग मुझे प्रमोट करते हैं। अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है देश में, इसलिए ज्यादा उछल कूद मत कर, और तू जो लिखता है ना कमेंट तो कर, कोई उच्च दलित मुस्लिम नेता कार्यवाही कर, घंटा कुछ नहीं कर सकते, तो पहले नाम सर्च कर, और इस नाम की और इस सन्यासी की ताकत का अंदाजा तुझे तब होगा जब तू प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करके पूछेगा, साले तुझे ही लप्पड़ लगा दिए जाएंगे। साले तू ना दलित है ना तू मुस्लिम है, तुम दोनों की मिक्सिंग है, और मादर जा तो तुम हमारा छा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। पर तुम्हारी जो नीचे से सुलगती है ना, वो देख करके बड़ा मजा आता है, कुछ नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान 1947 में जातीय जनगणना जिस प्रकार आप की जा रही है ना, उसी प्रकार धार्मिक जनगणना की गई थी, और उसके बाद में पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया गया, स्वेच्छा से रहने वालों के लिए यहाँ पर जगह दी गई, इसलिए केवल हिंदुस्तान है। और मैं तुम लोगों को ब्लॉक नहीं करता, मजा लेता हूँ तुम्हारी। पवन पुत्र, जो पवन के पुत्र है, इसने नाम लिख लिया पवन, ठीक है। ये सारी नाजायजों की नस्लें। अब ये देखो, कभी जेएनयू की बात करता है, कभी अंबेडकर की बात करता है, इतने बेशर्मों की औलादे है, हरामखोर हर बार लिखता है। कोई उच्च स्तरीय अधिकारी, अरे उच्च स्तरीय अधिकारी यहाँ जमीन पर बैठते हैं, यहाँ देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग इस जगह पर आकर के नमस्कार करके गए हैं इस सन्यासी को, क्योंकि ये सन्यासी सच्चा देशभक्त है। तुम जैसी नाजायजों की नस्लों को न जाने कितनों को ठोक चुका हूं मैं, और मेरे बारे में जिस दिन जानकारी सही में तुझे मिल जाएगी ना कि मेरा काम क्या है, तो दोबारा जिंदा रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जिंदा रखना, लेकिन सूर्य सागर से नहीं मिला, कभी भी बंद हो सकती, इसलिए जितना देखना देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हिंदुओं को जगाना मतलब बेवकूफों को जगाना, हिंदुओं को जगाना मतलब अपने पैरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारना। बंदरों को नहीं रखूंगा, जो व्यक्ति आपके खिलाफ है समाज वाले बहिष्कार, घंटा तेरे को क्या लेना देना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अंबेडकर को तुम ही लोग नहीं मानते हो, मोहम्मद को तो तुम मुसलमान ही नहीं मानते हो, खुद को ही फटके मारते हो। अब तुम्हारे नस्ल की जाति के लोग तुम्हारे ही भगवान को, तुम्हारे ही ईश्वर को, तुम्हारे ही अंबेडकर को नहीं मानते, तो मेरे कुछ नाजायजों की नस्लें जो मेरे समाज में पैदा हुई, उससे क्या अंतर, तुझे क्या इतनी खुजली बची, तू मुझे अब्बा बना रहा है जो तुझे इतनी चिंता हो रही है मेरी, तू मेरी चिंता मत कर, किसी की औकात ही नहीं है, ऐसा तो भौंकने वाले कुत्ते बहुत। साथियों तुम्हारे लिए बोलना मूर्खतापूर्वक कार्य है, इसीलिए मैंने बहुत लाइव आना कम कर दिया। किसके लिए बोले हम, बाकी के लोग इधर मर गए क्या, तो बेहतर है हम तुम्हारे लिए लड़ाई अब बंद करेंगे। लेकिन ध्यान रखना भी पवन अंबेडकर बैंड के टके, अगर मेरे सामने तू होता इस समय तो पता नहीं तेरे में कितने टुकड़े कर देता। मुझे वो बाबा समझने की भूल मत कर, वो बाबा मैं हूं ही नहीं जो अहिंसा की बातें करके खुद की मरवा लेता है, मेरा नाम ही काफी है। 10-24 में भीम की सरकार आने दो फिरा, बेटा तुझे घर में घुस करके ठोक देंगे वो, कौन इनके बारे में जानकारी है। 2024 में 1024 लिख रहा है, मतलब पीछे जा रहा है 1000 साल पहले पीछे,
और 2024 में इनकी सरकार आएगी तब मेरे पे कार्रवाई होगी, मतलब इनको कितना डर है मेरा। और बेटा मान ले अगर मैं ही इलेक्शन लड़ूं और मुझे ही भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा का टिकट दे दे और मैं ही चुनाव लड़ूं और उसके बाद मैं जीतूं, मेरा नाम सुनकर के तो आधो से ज्यादा को आर्ट अटक आ जाएगा, क्योंकि मेरी ताकत तुम लोगों को भी पता है। बिना पावर के तुम्हारी पावर खींच के रखी है मैंने, अगर मेरे पास पावर आ जाए तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना तुम्हारा क्या होएगा कालिया, ठीक है ना। यहाँ अपनी बकचोदी बहुत अच्छे से कर सकते हो, कमेंट के जरिए जितना चाहिए बकचोदी करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और जितने मेरे हिंदू समर्थक, मेरे हिंदू भाई इस समय देख रहे हो, सो मत, वरना मेरे को ये आईडी को भी निष्क्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तुम्हारा समर्थन नहीं मिलेगा तो किसके लिए बोलेंगे। लाइव आकर के इन हरामियों की धज्जा उड़ाने की क्षमता अगर एक सन्यासी रखता है तो तुम क्यों चूड़िया पहन करके बैठे हो। और रही बात इस हराम की नाजायज, ये पवन अम्बेडकर, देखिए मैं तुम लोगों के लिए ये रखता हूं मैं, ये इतना खतरनाक। कुछ लोग बोलते हैं अरे तलवार बंदूक का जमाना है, तो बंदूक ही दिखा नहीं सकते ना, ये देख ले, ठीक है। तो ये ज्यादा अपनी गांव मस्ती उधर करना, आचार्य सूर्य सागर नाम है मेरा, ठीक है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।